अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की एक मज़ेदार, आसान और चटपटी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून तेल लिया है और 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे में कट कर लिया है। पहले हम भिंडी को क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच नमक मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम लो पे फ्लेम कर देते हैं। बीच बीच में चलाते हुए हम भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। भिंडी लगभग गलने तक हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से भिंडी पूरी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे अलग करके दूसरे प्लेट में रख लेते हैं। सेकेंड स्टेप के लिए हम कुछ मसाले लेंगे, जो कि यूँ है। यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। फिर से दोबारा से हम लोग कढ़ाई गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालते हैं 1/2 चम्मच पंचफोरन। आपके पास अगर पंचफोरन नहीं तो आप सिर्फ जीरा का भी फोरन यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम लो कर दे। अब ये सारे मसाले हम इसमें मिला देंगे। मसालों को 2 मिनट तक हम लोग अच्छे से सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी को मिला देंगे और मसालों को अच्छे से भिंडी में मिक्स कर देंगे। यहाँ पे बस 1 से 2 मिनट तक हमें अच्छे से मसाला मिक्स कर लेना है और हमारी भिंडी की फ्राई बनके तैयार है। ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।